इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक सीरीज को स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक सीरीज को स्टडी करने से पहले हमें सीरीज का पता होना चाहिए कि सीरीज क्या है। किसी भी एक सीक्वेंस में जो टर्म्स होती हैं उनका जो सम है उसको हम सीरीज कहते हैं। सो सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो 1, 2, 3, 4, 5 तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सीरीज होगी वो होगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब हम आ जाते हैं अरिथमेटिक सीरीज की तरफ कि अरिथमेटिक सीरीज क्या है। किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनका जो सम होगा उसको हम अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज होगी वो होगी 2 + 4 + 6 + 8। सिमिलरली अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हो 5, 10, 15, 20 तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज होगी वो होगी 5 + 10 + 15 + 20। उसके बाद आ जाता है कि जी फाइनाइट सीरीज कौन सी होगी और इनफाइनाइट सीरीज कौन सी होगी। फाइनाइट सीरीज एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें जो हमारे पास टर्म्स हैं वो फाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4। और इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास वो सीरीज होगी जिसकी जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + up to so on के हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके एंड हो रही है। ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, डेफिनेटली इन्फिनिटी तक जाएगी। और फाइनाइट जो है वो उसकी हमें जो लास्ट टर्म है वो पता होती है, जबकि इनफाइनाइट के केस में हमें लास्ट टर्म का पता नहीं होता। अब हम आ जाते हैं कि हमने अरिथमेटिक सीरीज जो है इसमें टर्म्स हैं उनका सम फाइंड किस तरीके से करना है। एस एन जो है ये हमारे पास एक सिंबल है जो कि डिनोट करती है सम ऑफ एन टर्म्स इन सीरीज। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है 1, 11, 21, 31, 41 and 51 और मुझे कहा जाता है कि इसमें से पहली चार टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करें। सो एस फोर जो होगा वो मेरे पास होगा 1 + 11 + 21 + 31। मैं इन चार टर्म्स को ऐड करूंगा और जो इनका आंसर होगा वो हमारे पास सम होगा चार टर्म्स का। इनको आप ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 4 3 + 2 5 + 1 6 that is 64। अब ये तो था कि ये हमें बता दिया गया कि एक हमारे पास सीक्वेंस है उसकी आप चार टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करें। तो हमने सिंपली उन चार टर्म्स को ऐड किया तो हमने सम फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर हमारे पास
ये सीक्वेंस हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हमें कहा जाए कि इस सीक्वेंस में पहली 8 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करें। एसेट, हम पहली जो 8 टर्म्स होंगी उनको ऐड करेंगे तो हम एसेट जो है वो फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास सम होगा 8 टर्म्स का इन सीरीज। ये हमारे पास सीक्वेंस है, सीरीज इसकी करस्पॉन्डिंग होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। इन 8 टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 टर्म्स का जो सम है वो आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं तो इसका आंसर आपके पास आएगा 36। ये तो सिंपल था कि जब हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स दिए गए हैं कि 4 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करें, 8 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करें, तो सिंपली हमने ये किया, जब हमने 4 टर्म्स का सम फाइंड करना था तो हमने 4 टर्म्स को ऐड किया और उनका हमारे पास एक आंसर आ गया। जब हमने 8 टर्म्स का सम फाइंड करना था तो हमने 8 टर्म्स को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि आप 100 टर्म्स का सम फाइंड करें या 1000 टर्म्स का सम फाइंड करें, तो फिर इस तरीके से हम सारे टर्म्स को ऐड करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हमें फिर कोई फॉर्मूला डिवेल्प करना पड़ेगा जिसके ज़रिए से हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो फाइंड कर सकें। यही एग्जाम्पल लेके हम फॉर्मूला डिवेल्प करेंगे कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसमें से अब हमने सम फाइंड करना है 7 टर्म्स, S7, तो वह ये होगा कि इन सारी टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अगर इसी को मैं रिवर्स करके लिख दूं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि S7 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब मैं दोनों साइड्स को ऐड कर लेता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2S7 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि 2S7 इज इक्वल टू 7 sums of 8 और 7 times of 8। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, S7 इज इक्वल टू 7/2 of 8। अब यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला जो है वो डिवेल्प करेंगे कि 7 हमारे पास क्या है। 7 इज द नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमने सम फाइंड करना है। 7 इज n, एक्चुअली वो टर्म्स है जिनका हमने सम फाइंड करना है। और 8 क्या है? 8 हमारे पास सम है पहली टर्म का और आखिरी टर्म का। 8 इज इक्वल टू a1 प्लस an। अगर मैं अब इसको जनरलाइज करके लिखूं तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 into a1 प्लस an, जो कि हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है कि हम किसी एक अरिथमेटिक सीरीज में किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमने कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, उस सीक्वेंस की पहली टर्म कौन सी है और लास्ट टर्म कौन सी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि हमने अगर एक टर्म दी गई हो, कॉमन डिफरेंस दिया गया हो, तो लास्ट टर्म किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अगर और खोल के लिखूँ तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, Sn इज इक्वल टू n/2 into a1 plus an हमारे पास होता है a1 plus n-1 into d।
तो एस एन हमारे पास आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला डिवेलप कर लिया जिसको हम यूज़ करेंगे किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए, या अरिथमेटिक सीरीज में टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ए वन इज द फर्स्ट टर्म एंड ए एन इज द लास्ट टर्म। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वो है 6 और उसकी जो 10th टर्म है वो हमारे पास है 51, और आपने सम फाइंड करना है 10 टर्म्स का, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। S10 इज इक्वल टू n की जगह पे आ जाएगा 10, 10 बाई टू इंटू ए वन हमारे पास है 6 और a10 जो कि हमारे पास है 51, तो ये हो जाएगा 5 × 57। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S10 आ जाएगा जो कि होगा 285। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर टू, वो हमारे पास ये है कि हमने 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है, सम ऑफ 50 टर्म्स, जिसमें हमारे पास पहली टर्म जो है वो 28 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है। अब हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। इस फॉर्मूला को यूज़ अगर हमने करना है तो हमें या तो ए एन फाइंड करना पड़ेगी, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला जो है जो हमने इसके साथ देखा था उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिस तरीके से आप चाहें इसको कर सकते हैं। ए एन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूला से कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उस तरीके से पहले आप ए एन फाइंड करें, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। हमने 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो S50 इज इक्वल टू 50 बाई टू इंटू टू इंटू 28 प्लस 50 माइनस वन इंटू डी विच इज -4। इसको आप सॉल्व कर लें सिंपल, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 56 प्लस 49 इंटू -4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 50 × 56 माइनस, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 6 196। देन उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि होगा -140।
जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3500। तो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए अब हम किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस की कौन कोई से भी नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके की हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 को सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं बुक में से। एग्जांपल हमारे पास है 5 इज 19 एंड S4 इज A9 + 1। अब हमने सीरीज फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो 19 है और सम ऑफ फोर टर्म्स जो है वो हमारे पास है A9 + 1। इस A5 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, A1 + 4D इज इक्वल टू 19। अब जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो है S4 इज इक्वल टू A9 + 1। तो S4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? S4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो फॉर्मूला हमने डिवेल्प किया था उसको यूज करते हुए n/2 दैट इज 4/2 इंटू 2a1 + n-1, n यहाँ पे है 4, 4-1 इंटू d इज इक्वल टू a9 + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4a1 + 6d इज इक्वल टू a1 + 8d + 1। a9 को मैंने ओपन करके लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3a1 - 1 इज इक्वल टू 2d। यहां से 2d की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3a1 - 1। अगर ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें a1 + 4d इज इक्वल टू 19 में, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा a1 + 2 × 2d इज इक्वल टू 19, और 2d की हमारे पास वैल्यू है 3a-1। a1 + 2 × 3a-1 इज इक्वल टू 19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a1 की हमें वैल्यू देगा, a1 की वैल्यू हमें दे देगा a1 इज इक्वल टू 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास a1 की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अब यहां से हम d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि a1 + 4d इज इक्वल टू 19, a1 + 4d इज इक्वल टू 19। a1 की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास आएगी d इज इक्वल टू 4। अब आपके पास d भी आ गया, a1 भी आ गया, तो अब आप सीरीज जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अरिथमेटिक सीरीज में जो है वो हर दफ़ा हमारे पास कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है जब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। a1 हमारे पास है 3, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास आएगी 3 प्लस कॉमन डिफरेंस, 3 + 4 इज 7। नेक्स्ट टर्म आएगी 7 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करें, 7 + 4 11, और नेक्स्ट टर्म आएगी जब हम इसमें 11 में 4 ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 अप टू सो ऑन। सो फॉर्मूला को यूज करते हुए हम
सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सीरीज के कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी फाइंड कर सकते हैं। हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे।